शुक्राचार्य के पास, तो उन्होंने स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में शुक्राचार्य ने, और पढ़ाया, खूब अच्छा से पढ़ा दिया, पूर्ण पारंगत हो गए। कच्छ बहुत सुंदर थे और वो भी ब्राह्मण हैं, और देवयानी वहाँ रहती थी अपने पिता के पास, तो उसने प्रस्ताव रखा कच्छ से कि आप हमारे साथ विवाह कीजिए। तो कच्छ ने कहा कि नहीं, आप हमारे गुरु की पुत्री हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा, मैंने इनसे पढ़ा है, ये औषधि विज्ञान पढ़ा है, चाहे मृत संजीवनी विद्या सीखा है, तो हमारे गुरु हैं, और आप गुरु की पुत्री हैं, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं करूँगा, ये पाप होगा, अन्याय होगा। तो देवयानी ने कहा नहीं, ये पाप नहीं है, लेकिन कच्छ विवाह नहीं किया, कहा नहीं करूँगा। तो इसने क्रोध से शाप दे दिया देवयानी ने, मेरे पिता के द्वारा तुम जो भी पढ़ाई लिखाई किए हो सब भूल जाए, विद्यत काम न आवे। जब इसने शाप दिया तो कच्छ ने भी शाप दिया कि तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, ये मेरा शाप है। उसी की याद दिला रही है देवयानी कि मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ने वाला, पानी ग्रहण करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होगा, जब ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा तो इसका मतलब क्षत्रिय के साथ होगा, ब्राह्मण के बाद तो क्षत्रिय ही आते हैं, तो क्षत्रिय के साथ विवाह होगा, तो यह विवाह ईश्वर का रचा हुआ है। जब मैं कुएं में गिरी, कोई मुझे देखने वाला नहीं था, तो भगवान ने आपको भेजा और आपने हमारा पानी ग्रहण किया, जब हमको एक क्षत्रिय को ही चुनना है अपने पति के रूप में, तो आपसे श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन होगा इस पृथ्वी पर, तो भगवान ने स्वयं ही आपको भेजा है, और आप भी अविवाहित हैं, इसके पहले आपने कोई विवाह नहीं किया है, अतः आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, इस तरह से आग्रह किया। देखिए ईश्वर का विधान कैसे कैसे क्रोध भर करके देवयानी में या शर्मिष्ठा में, और फिर कुएं में गिराना, फिर महाराज जजाति को प्यास ऐसा लग जाना, इतने में थर्ड क्लास के आदमी नहीं थे कि कहीं चले बस प्यास लग जाए। आज का आदमी अगर पानी पी करके चले तो जानता है कि कम से कम दो तीन घंटे प्यास नहीं लगेगी, है ना, लेकिन वो घूम रहा है और अकस्मात ऐसे प्यास लग जाना, और वो भी प्यास से होकर के खोज पानी खोजते खोजते उसी कुआं पर आ जाना, या और कुआं नहीं था, और जो पुरुषों के लिए प्रोहिबिटेड एरिया था, केवल स्त्रियां उस वहाँ घूम सकती थी, उस स्थान में चले जाना, और सबसे पहली बात तो भगवान शिव को क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, उसी रास्ते से वे चले गए, क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा रचा हुआ है उसी को ये लोग पूरा कर रहे हैं। महाराज जजाति रमता दैवो को हृतमात्मन मनस्तु तद गतम बुद्धवा प्रतिजग्राह तद वचन। महाराज जजाति विचार करने लगे कि महान पुरुष किसी भी अवस्था में अधर्म नहीं कर सकता है। उनके सामने ये विचार आया, ये प्रस्ताव आया, एक ब्राह्मणी कन्या मेरे साथ विवाह के लिए कह रही है और सारा औचित्य दे रही है, ये ईश्वर का विधान, ईश्वर का रचा हुआ प्रसंग है, तो विचार करने लगे कि अनभिप्रेतम, उनको अभिप्रेत नहीं था, नहीं चाहते थे कि मैं ब्राह्मणी के साथ विवाह करूं, लेकिन दैवों पर हृतमात्मन, उन्होंने विचार किया कि अपने आप दैव अर्थात ईश्वर के द्वारा यह संयोग रचा हुआ है इस तरह का। इसके बाद भी वे अब सोचने लगे कि क्या यह वास्तव में मेरी पत्नी है, ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ। तब वो समझ गए, हाँ, मनस्तु तद गतम बुद्धवा, उनका मन भी देवयानी में जाने लगा, उनकी इच्छा हुई कि हमारे पत्नी के योग्य है, उसको पत्नी बनाना चाहिए,
तो जब मन चला गया देवयानी में तो उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर के द्वारा यह मेरी पत्नी निश्चित की गई है, अन्यथा मेरा मन कभी भी अधर्म में नहीं जा सकता। पहले के जो महान पुरुष होते थे उनका मन ही प्रमाण होता था, मन कभी गलत पंथ पर जा ही नहीं सकता था। तो भगवान श्री राम रामचरित मानस में कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन के लिए जहि सपनेह पर नारी नहेरी। सीता को देख करके फुलवारी में भगवान श्री राम के मन में आया कि यह मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता। तो फिर लक्ष्मण जी से बात करने लगे कि मोहि अतिशय प्रतीत मन के जहि सपनेह पर नारी नहेरी, मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा मन सपने में भी परनारी का स्मरण नहीं किया है, सपने में भी, जागृत की तो बात ही क्या है, लेकिन आज मेरा मन जा रहा है इस पर, सीता पर, इसका मतलब है कि यह मेरी पत्नी है, अन्यथा नहीं जा सकता। इसी प्रकार का प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं महाराज दुष्यंत के विषय में। महाराज दुष्यंत जब शकुंतला को देखे तो उनके मन में ये बात हुई कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊं, लेकिन उसके जाति को उसके पिता आदि को नहीं जानते थे तो, और वह लड़की शकुंतला एक ब्राह्मण के आश्रम में रहती थी, कर्ण मुनि के आश्रम में रहती थी। तो मैंने देखा तो वो समझ गए, जब मन गया तो समझ गए कि ये ब्राह्मणी नहीं है, यदि यह ब्राह्मणी होती तो मेरा मन कभी भी इसमें नहीं जा सकता था। नहीं चेता पौराणाम अधर्मे रमते क्वचित, पूर्ववंशियों का चित्त कभी भी अधर्म में नहीं रम सकता है। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पर धरय न काऊ, भगवान राम कहते हैं। और दुष्यंत महाराज भी कहते हैं कि यदि इस लड़की में मेरा मन जा रहा है, इसका अर्थ है कि यह क्षत्रिय ही होगी, ये ब्राह्मणी नहीं है। तो जब वो शकुंतला से बात करते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तब उसने बताया कि महाराज मेरे पिता विश्वामित्र मुनि हैं और मेनका ने मुझे जन्म दिया, तो ये साधु थे ऋषि और मेनका अप्सरा थी, इन दोनों ने हमको छोड़ दिया, वन में फेंक करके चली गई स्वर्ग। तो फिर शकुंत नाम के पक्षियों ने पंख की छाया करके मेरा पालन किया, तो मेरा नाम शकुंतला हुआ। और ये जो आश्रम है ये भगवान कर्ण का है, कर्ण मुनि का है, वे हमारी पुत्री की तरह हमारा पालन किए हैं, तो ये स्थिति है। तो जब विश्वामित्र की पुत्री सुने दुष्यंत महाराज, तब वे पूर्ण आश्वस्त हुए, ठीक इसीलिए मेरा मन तुम्हें जा रहा था, यदि तुम ब्राह्मणी होती तो मेरा मन कभी नहीं जा सकता। कितना ऊंचा मन पहले के लोगों का था, ये अद्भुत बात। आज के भ्रष्ट गिरे हुए लोगों का अपना मन प्रमाण नहीं है, मन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी अनर्थ कर सकता है, ये पहले के लोग ऐसे होते थे। तो महाराज जजाति विचार करने लगे, तो फाइनल उन्होंने यही किया कि मेरा मन इसमें जा रहा है, इसका मतलब है कि दैव के द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा निश्चित की हुई यही मेरी पत्नी है, ये बात आई। लेकिन उस दशा में भी महाराज जजाति ने फिर स्पर्श नहीं किया देवयानी का, उन्होंने कहा कि ठीक है प्रतिजग्रह तक बचो, उसके प्रस्ताव को स्वीकार किए और उन्होंने कहा कि आपको मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु आपके पिता जो कन्यादान करेंगे तब मैं स्वीकार करूँगा, मैं आपके वचन को मानता हूँ, लेकिन तब जब पिताजी शुक्राचार्य कन्यादान करेंगे तब मैं स्वीकार करूँगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे के श्लोक में कहते हैं गते राजनि साबीरे तत्रस्म रुदति पितुः,
वीर राजा जजाति के जाने पर, तो वहाँ जजाति को वीर क्यों कहा गया है, इसलिए वीर कहा गया कि महाराज जजाति वास्तव में जितेंद्रिय व्यक्ति थे। उस दिव्यानी को उन्होंने फिर स्पर्श नहीं किया, ये मान लिया कि मेरी पत्नी है, इसके पिताजी कन्यादान करेंगे तो उसके बाद ही मैं इसको छू सकता हूँ, इसलिए उनको वीर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जब वीर राजा चले गए तो इस प्रकार से जितेंद्रिय व्यक्ति परम सुंदरी देवयानी को फिर उन्होंने स्पर्श नहीं किया, विवाह के बाद ही स्पर्श करेंगे। देखिए कितना महान लोग होते थे इस तरह से पवित्र। और उन्हें कह दिया कि आपके पिताजी जब आपको अर्पित करेंगे तब मैं आपको स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, जो राजा चले गए तब सुखदेव गोस्वामी कथा में बताते हैं, जो राजा जजाति चले गए, सारा विवाह का प्रस्ताव सब स्वीकार हो गया, सब कुछ हो गया, तो जब उधर गए तो वहीं पर देवयानी तत्र स्म रुदति पितु निवेदय ततः सर्वम उक्तम सर्वनिष्ठया कृतम। राजा चले गए तो देवयानी वहीं से रोना चालू की, खुद तो दुखी थी, रोने लगी, एक प्रकार से हमारी जान मार दी गई थी, तो बच्ची का आश्रय कौन होगा, लड़की का माँ है क्या पिताजी, तो पिताजी के पास गई रोते हुए, रोती हुई गई और खूब कह रहे थे पिताजी शर्मिष्ठा ने हमको मार ही दिया था ऐसे ऐसे, तो शर्मिष्ठया सर्वम उक्तम और शर्मिष्ठया सर्वम कृतम निवेदय। शर्मिष्ठा ने जो जो किया था और जो जो बोला था वो सब देवयानी सुना दी शुक्राचार्य को, इसने क्या क्या कहा था एक शब्द नहीं सुनाई। देखिए जब आदमी किसी की शिकायत करता है तो केवल उसका दोष गाता है, और स्वयं क्या क्या बोली थी शर्मिष्ठा को एक शब्द नहीं बोली। शर्मिष्ठया सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया सर्वम कृतम, शर्मिष्ठा ने बोला था और भी बहुत बात बोली थी वो, लेकिन वो कही थी कि अरे भिखमंगी तुम्हारा बाप हमारे पिताजी के घर पर कौआ की तरह देखता है, तो कुत्ता की तरह ड्यूटी करता है, तब कुछ सीधा पिसान मिल जाता है खाने पीने को, इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात तो उसने खूब बढ़ा करके कहा। देवयानी जो कुछ कही तो कुछ न कुछ उसमें नमक मिर्च मिला करके ही कही, जो टेस्ट ज़्यादा हो जाए, मतलब पिताजी को क्रोध आ गया। और सब कुछ जो भी कहा था वो पूरा पूरा सुना दिया, और जो भी किया था वह किए में क्या क्या रो रो करके वर्णन कर रहे थे कि पिताजी महाराज जजाति नहीं आए होते तो मैं तो मर गई होती, मुझको कुआं में पटक दिया था, ऐसे वैसे ये वो सब, तो भगवान की कृपा से बच गई या आपके पुण्य से बच गई, नहीं तो उसने तो हमें मार दिया था। वो इस तरह से बोल रही थी कि शर्मिष्ठा को दंड दिया जाए, भूल नहीं सकी थी। यद्यपि कुआं में पटकने से ही उसका सबसे बड़ा काम जीवन का हो गया था, ये शर्मिष्ठा ने भला ही किया था। अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो देवयानी को जाकर धन्यवाद देना चाहिए था शर्मिष्ठा को कि धन्य हो सखी तुमने मुझे पटका, वो महाराज जजाति आ गए और हमसे उनका विवाह निश्चित हो गया, तो खुशी की बात थी ना। लेकिन व्यक्ति जब क्रोध में होता है, किसी के प्रति अमर्ष होता है, तो उसके गुणों को नहीं देखता है, और खास करके स्त्रियों में बहुत अमर्ष होता है। ये मैं मानव साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, शास्त्रों में पढ़ी हुई बात। किसी से बदला लेना चाहती हैं तो वो उनको फिर रोका नहीं जा सकता कुछ भी किसी भी तरह समझा करके।
वो इतना बड़ा काम हो गया, विवाह की बात हो गई, एक राजर्षि से विवाह होने वाला है, तो कुआं में गिरने के कारण ही मिले, नहीं तो नहीं मिले होते। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए था देवयानी को, लेकिन नहीं, इसको निग्लेक्ट किया और राजा के चले जाने के बाद वहीं से रोना चालू किया। ये स्त्रियों के आँख में आंसू नहीं होता, हाथ में आंसू होता है, जब डरना चाहे बस, और वहाँ से रोना चालू किया। जब महाराज देव महाराज जजाति के साथ विवाह आदि का प्रस्ताव कर रहे थे तो कोई रोना धोना नहीं, और जब पिताजी के पास जाकर शिकायत करना हुआ तो वहीं से रोना चालू, रोने लगे। रोते हुए जा करके शर्मिष्ठा के द्वारा उक्त और कृत सब सुना दिया, इसने ये कहा, ये कहा, ये किया, वो किया। अब तो उन बातों को सुन करके दुर्मना भगवान काव्य भगवान तो सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य जी को भगवान अर्थात परम पूज्य परम शक्तिमान परम समर्थ बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दुर्मना भगवान काव्य, उनका मन बिल्कुल दुखित हो गया और वे पुरोहिती के कर्म की निंदा करने लगे। पौरोहित्यम बिगड़, पौरोहित्यम पुरोहित के काम की बहुत निंदा करने लगे, ये पुरोहिती का काम ठीक नहीं है, किसी के दरवाजे पर जाओ और उससे आशा रखो, ये ठीक नहीं है, निंदा करने लगे। और स्त्रोम वृत्तिम से कापोतिम, और कापोती वृत्ति की प्रशंसा करने लगे, और अपनी पुत्री के साथ राजा के घर महल से उस पुल से नगर से निकल गए, क्योंकि अब मैं पुरोहिती का काम नहीं करूँगा, अब कपोत की वृत्ति अपनाऊंगा। वृत्ति मैंने जीविका, कपोत मतलब कबूतर, कपोत जैसे जहाँ तहाँ से दाना चुन करके खाते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते हैं, है ना, कबूतर जहाँ तहाँ से खा लेते हैं, बाजार में गिरे हुए दाने या खेत में कहीं से दाना चुन करके खा लेते हैं, जी लेते हैं, फ्री रहते हैं। पर ये पुरोहित का काम जो है ये कुकुर का काम है, और सोचने लगे ऐसे, इतना डिपेंड रहना किसी पर कि ये जीविका देगा भोजन करने को, कपड़ा पहनने को, ची ची बताओ, आज मैं इसके यहाँ यदि नहीं रहता, बंधन में नहीं रहता, तो लड़की हमको भिखमंगा कहती, ये राजा कहवा रहा है ना, अब देखिए इनकी बात। अरे दो बच्चियों में झगड़ा हुआ है तो वहीं से उठा देना, तो ये कहे कि नहीं अब रहना ही नहीं है, दैत्यों के साथ रहना नहीं है, और जब देवता लोग सुनेंगे कि शुक्राचार्य त्याग कर दिए दैत्यों का, तो वे लोग चढ़ाई करेंगे और इन लोगों को मार पीट करके ठीक कर देंगे, अब इनकी सहायता मैं नहीं करूँगा। तो कपोती वृत्ति की प्रशंसा कर रहे थे, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिल ही जाता है, कोई दे जाता है, या खेत में गिरा हुआ अन्न चुन लेंगे, या बाजार में गिरा हुआ अनाज मंडी में गिरा हुआ कुछ दाना चुन लेंगे, ला करके खाएंगे, लेकिन किसी की परवशता किसी की अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे। आज भोजन दे रहा है और कल कहे कि अरे भिखमंगा तुमको मैं खिला रहा हूँ, जिला रहा हूँ, ये कौन सा है। इसलिए अपनी बेटी को कहे चलो 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 अब चलें कहीं दस दुनिया में घूम करके स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन ऐसे पराधीन नहीं रहेंगे। तो दुहित्रा सह जलव पूरा, अपनी पुत्री के साथ निकल गए, नगर से निकल गए। विश्वपरमात्म आज्ञा अब प्रत्यनिक विवक्षितम गुरु प्रसाद मृदना पादयो पतितः पथि। विश्वपरमा जी को पता लगा कि हमारे जीवन के रक्षक दैत्यों के संरक्षक शुक्राचार्य जी घर छोड़ करके निकल गए, क्यों निकले ये बात भी उनको पता चल गई कि हमारी लड़की ने देवयानी को गुरु की लड़की को पटका, कुएं में झगड़ा किया, उनको बहुत बात बोल दिया, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं, नगर छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रत्यनिक विवक्षितम महाराज विश्वकर्मा तुरंत समझ गए कि देवता लोग अवश्य हम पर चढ़ाई करेंगे, दैत्यों पर चढ़ाई करेंगे,
तो इस संकट को देख करके वे गए रास्ते में, राजा निकल करके गए अपने सचिवों के मंत्रियों के साथ, और जा करके पथ में गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए पादयो पतित, दोनों चरणों के बीच में गिर गए। गुरु के बिना, शुक्राचार्य के बिना दैत्य जी नहीं सकते थे, देवता इनके बैरी हैं, इनको मार करके खत्म कर देते, इन्हीं की बुद्धि से लोग बचते। तो इस तरह से मान लीजिए अगर गुरु का अपराध हो गया तो क्षमा मांगने में राजा बृहस्पर्वा को कोई संकोच नहीं हुआ, गुरु के दोनों चरणों में जाकर गिर गए। और भी पथी जहाँ हजारों लाखों लोग देख रहे थे, उस रास्ते में वे गुरु के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, शर्मिष्ठा भी आपकी ही बेटी है, बेचारी उसके द्वारा जो कुछ भी बोला गया उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक नीति की रुकती है कि भाई अपने दांत से अगर अपनी जीभ कट जाए तो दांत को तोड़ कर नहीं फेंकते हैं ना, क्योंकि दांत बहुत दिन काम आएगा। भले जीव जिह्वा को कल कल काट देता है, लेकिन अब इसके चलते दांत को नहीं तोड़ा जाएगा। इस तरह से बातें बृहस्पर्वा जी ने कहा। देवयानी यह शर्मिष्ठ दोनों आपकी ही पुत्रियां हैं, अगर इन्होंने कुछ गलती किया तो गुरु जी मैं उसको अपनी गलती मान करके आपसे क्षमा चाहता हूँ, शर्मिष्ठा की गलती क्षमा कर दी। शर्मिष्ठा वहीं पर थी, उसको भी बृहस्पर्वा जी ने कहा कि तुरंत गुरु जी का चरण पकड़ो माफी देने के लिए, कि ये न जाए नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य की प्रशंसा करते हैं, क्षणार्ध मंडिल भगवान काव्य शिष्यम व्याचष्ट भार्गव। भृगु वंश में उत्पन्न है शुक्राचार्य जी, तो क्षणार्ध मंडिल आधे क्षण के लिए उनका क्रोध रहता है बस, मनु मने क्रोध, क्षणार्ध मनु क्षणार्ध क्रोध। एक नीति श्लोक में बताया गया है कि महान पुरुषों का क्रोध कितने देर के लिए होता है, प्रणाम अंत, प्रणाम अंत। अगर कोई उनको प्रणाम कर दे तो उनका क्रोध उसी समय खत्म हो जाता है बस। और दुष्ट का क्रोध मरते दम तक रहता है, जब मरेगा मरने से पहले बेहोश हो जाएगा तभी क्रोध छोड़ सकता है, नहीं तो पहले नहीं। महान पुरुष महात्माओं का क्रोध कब तक होता है, प्रणाम अंत। जिस पर क्रोध है उसने प्रणाम किया बस क्रोध खत्म। तो शुक्राचार्य भी ऐसे ही महान पुरुष है, महात्मा है। जब बृहस्पर्वा जी चरण में गिर गए तो क्षणार्ध मन्यु आधे क्षण के लिए जिनका क्रोध रहता है, ऐसे शुक्राचार्य जी खुश हो गए। और शिष्य प्राचस्ट भार्गव, भृगुवंश से शुक्राचार्य जी अपने शिष्य से बोले बोले, नहीं तो आदमी बोलता भी नहीं, क्रोध में होने पर पहले तो बोलता नहीं, तो बोले, क्रोध छोड़ करके शांति से बोले। कामोश्या क्रियतम राजन नैनम तक तुम योत्स है। राजन, कोई गलत बात शुक्राचार्य नहीं बोल रहे हैं, डांटे नहीं कि शैतान या बदमाश तुम्हारी लड़की ऐसी है, कुछ नहीं कहे। राजा संबोधन करेंगे, राजन अस्या काम क्रियतम, इसकी जो इच्छा है मेरी बेटी की सामने है, देवयानी जा रही थी, देवयानी की जो इच्छा है आप उसको पूरा कीजिए, बस मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नाम त्यक्तो उत्साह, मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता हूँ। छोड़ने का मतलब है कि मैं इसका मन तोड़ नहीं सकता। आपकी बेटी ने इसको कुएं में पटका, एक प्रकार से मर चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से जजाति महाराज आए जिला दिए, ठीक है, लेकिन अब ये इसकी जो इच्छा है आप उसको पूरा कीजिए।
मैं इसका त्याग नहीं कर सकता, मतलब इसकी जो रुचि है आप पालन कीजिए, मैं ठीक है आपके साथ रहूँगा। महाराज विश्वकर्मा देवयानी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, बेटी ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है बोलो, तुम्हारी जो इच्छा है बोलो। तो थे व्यवस्थित इस प्रकार से जब निश्चय हुआ तब देवयानी अपने मनोगत बात को बोली। देवयानी ने कहा, पित्रा दत्ता जतो जासे, पित्रा दत्ता जतो जासे मामनो सानुगा जातु मामनो, मेरे पिताजी मेरा विवाह जिस व्यक्ति से करेंगे, मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पर ये उन सभी सखियों के साथ जाए मेरी दासी बन करके, जिन लोगों ने मुझको कुआं में पटका था। तो सानुगा अपने अनुगामियों के साथ, मतलब अपने सखियों के साथ ही जाए मेरी दासी बन करके, मेरा जहाँ विवाह होगा वहाँ मेरी सेवा के लिए हाजिर जाए। तब उस समय शर्मिष्ठा भी वहाँ थी राजा के साथ, उधर देवयानी थी अपने पिताजी के साथ और शर्मिष्ठा अपने पिताजी के साथ। एक राजकुमारी एक ब्राह्मणी की दासी बनकर के जाए, एक बहुत कठिन बात थी, लेकिन वो ब्राह्मणी आखिर राजर्षि की पत्नी बनकर के जाने वाली है, तो अगर नहीं बनेगी दासी तो शुक्राचार्य नहीं रहेंगे, और शुक्राचार्य का अभाव मतलब दैत्यों की सफाई देवताओं के द्वारा। तो स्वानं तत्संकटं भिक्षा तदर्थस्य च गौरव। शर्मिष्ठे ने देखा कि गुरु जी नहीं रहते हैं तो दैत्यों पर हमारे कुल पर महान संकट आएगा, और रहते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है, अर्थस्य गौरवम प्रयोजन की श्रेष्ठता इनके रहने पर। अतः उसने स्वीकार किया और परिचरत स्त्री सहस्त्र दासवत, परिचरत देवयानी स्त्री सहस्त्र दासवत, वो देवयानी की सेवा करने लगी हजारों हजारों सखियों के साथ। ये दंड दिया गया शर्मिष्ठा को, परंतु वह अपने कुल के अपने वंश के लोगों की सुरक्षा के लिए ये बात मान ली। ठीक है, देखिए अभी कितनी महान महिला है जो अपने परिवार के संकट के लिए इस प्रकार से देवयानी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, दासी बन करके जाऊंगी। विवाह होने के बाद ना उषाया ना उषाया सुताम दत्त, ना उषाय सुताम दत्ता उसने तो अपनी पुत्री को जब अर्पण किया शुक्राचार्य ने, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। तो जब अर्पण किए अपनी पुत्री को तो महाराज जजाति से स्पेशल वार्निंग दिया शुक्राचार्य ने, कि हे राजन, शर्मिष्ठा आपके बेड पर कभी नहीं आवे, ये ध्यान रखिए। यद्यपि ना उषाय सुतम दत्ता सह शर्मिष्ठ है उसने, यद्यपि शुक्राचार्य ने विवाह कराया देवयानी का, तो उन्होंने शर्मिष्ठा का भी विवाह कराया महाराज जजाति से, विवाह कराया सह शर्मिष्ठ है, लेकिन राजा जजाति को आज्ञा दिया कि ये आप ये शर्मिष्ठा को आपके बेड पर नहीं आना चाहिए,
आप कभी भी अपने पे प्रमुख लेना इसको कर ही चित किसी भी स्थिति में सावधान कर देता हूँ कि दंड दिया गया। वास्तव में किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि उसे अपने पति से अलग सोने को रखा जाए, यह दंड है। वास्तव में पति है उसके भी जजाति महाराज, उसका भी विवाह हुआ, परंतु फिर भी शर्मिष्ठा के बेड पर उन्हें कभी नहीं जाना है, या शर्मिष्ठा को अपने बेड पर कभी नहीं सुलाना है, यह चेतावनी हुई। और अद्भुत बात देखिए, विवाह हुआ राजा के साथ, देवयानी का विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा का भी हुआ, पर शर्मिष्ठा के साथ उनका कोई फिजिकल संबंध नहीं होना चाहिए, ये देवयानी की इच्छा थी। देवयानी की इच्छा को ही गुरु महाराज ने, शुक्राचार्य ने कहा राजा से डायरेक्ट, पर किस तरह से बाद में महाराज जजाति ने धर्म को ही महत्व दिया, शुक्राचार्य के बात का नहीं। जानते थे कि शुक्राचार्य के बात का खंडन करने पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन विपत्ति आवे चाहे कुछ भी हो, जो सत्य है, जो धर्म है, उसी पर व्यक्ति को चलना चाहिए। अंततः जब देवयानी के दो पुत्र हुए तो शर्मिष्ठा ने अपने पति से एकांत में प्रार्थना किया कि महाराज धर्म के अनुसार आप हमारे पति हैं तो हमें भी पुत्र चाहिए, हमारी गोद सुनी है। तो उसके इस प्रार्थना से महाराज जजाति ने तीन पुत्र उत्पन्न किया शर्मिष्ठा के गर्भ से। तो एक दिन की बात थी, वह तीनों लड़के बड़े हो गए थे, बारी बारी से जन्मे थे, तो घूमते घूमते देवयानी के महल में चले गए। तीनों का बिल्कुल शारीरिक जो सूरत शकल था महाराज जजाति के समान था। उसने पूछ दिया कि तुम किसके पुत्र हो, तो उन लड़कों ने कहा महाराज जजाति के। तुम्हारी माँ कौन है? शर्मिष्ठा। बस इतना काफी था उसके लिए, अब घर द्वार छोड़कर पिता के पास भाग गई। ये कथा मैं कल कहूँगा किस तरह महाराज जजाति गए ससुराल और उधर से बूढ़ा होकर के आए। ससुर ने ही साप दे दिया। ये अजीब अजीब घटनाएं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। साढ़े नौ बज गए इसलिए मैं समाप्त किया। आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पीकर का मुख इधर क्यों किए, ऐसे क्यों? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज़्यादा ऊंचा हो गया है। बिलौ क्यों सन सिंह राजन, इकतीसवां श्लोक है।
बिलो क्यों सन सिमराजान शर्मिष्ठा स प्रजाम क्वचित तमेव बब्रे रहसी सख्या पतिमृतौ सती। इस लाउड स्पीकर को एक बार ठीक कर लीजिए। हॉस्पिटल में जैसे कोई आदमी हो उस तरह से चिकित्सा चलने लगती है। एक बार ठीक करके फिर मत छूइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको भी थोड़ा हाई करना चाहिए, आवाज़ कम उगल रहा है। हाई से मेरा मतलब वॉल्यूम हाई, ये नहीं। अच्छा मतलब ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विलोक्योशन सिंहराजं शर्मिष्ठा स्वप्रजां क्वचित् तमेव बब्रे रहसि सख्या पतिमृतौ सति। क्वचित् किसी समय शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देखी कि देवयानी को दो पुत्र हुए हैं और समसिम सब प्रजा विलोक्य। उसना पुत्री अर्थात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को शर्मिष्ठा ने देखा कि वह पुत्रवती है, हो चुकी है, तो उसने भी अपने सखी के पति से अर्थात देवयानी के पति श्री जजाति महाराज से तमेव बब्रे रहसि एकांत में प्रार्थना की। उसने कहा कि धर्म के अनुसार आप ही हमारे पति हैं, अतः जैसे देवयानी को पुत्र की प्राप्ति आपसे हुई है हमें भी पुत्र चाहिए। मेरी गोद सुनी है और आप हमारे पति हैं, अतः आप हमें पुत्र दीजिए। तो राजपुत्यार्थितो अपत्ति धर्मं चावेक्ष धर्मवित स्मरण शुक्र वचह काले दिष्टमेवाभ्यपद्यता। तुम्हारे जजाति ने क्या किया यह प्रसंग बहुत ही विचारणीय है। एक तरफ है बहुत बलवान मुनि ऋषि शुक्राचार्य मना किए थे महाराज जजाति को, साक्षात मना किए थे डायरेक्ट कि आप कभी भी शर्मिष्ठा के तल्प पर सज्जा पर मत जाना कर ही चित किसी भी स्थिति में, भूल करके भी कदापि उसके साथ तुम अंग संग न करना, उनके कहने का आशय ये थे। लेकिन संस्कृत भाषा बड़ी ही शालीन भाषा है, इतना ही कह देना पर्याप्त था कि शर्मिष्ठा के तल्प पर सज्जा पर तुम कभी मत जाना। आजकल जैसे अशिष्ट भाषा का लोग प्रयोग करते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता था, इतना ही काफ़ी था उसको अपने बेड पर मत आने देना और उसके बेड पर मत जाना।
तो यह बहुत बड़ी चेतावनी थी राजा जजाति को, यदि तुमने ऐसा किया तो इसका फिर दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभ में ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृत दारह जुगो पूर्वी काव्यस्य वृषपर बड़ा। महाराज जजाति ने शुक्राचार्य की पुत्री और वृषपर्वा की पुत्री को कृतदारह अपनी पत्नी बनाया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। तो सुखदेव गोस्वामी के उक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि शर्मिष्ठा भी महाराज जजाति की पत्नी थी, अतः उसने जो भी प्रार्थना किया वह बिल्कुल उचित थे। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सख्या पतिम बब्रे, अपने सखी के पति को उसने वरण किया और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। कौन प्रार्थना कर रही थी? राजपुत्री, राजपुत्र्या अर्थितो अपत्ते, वह राजकुमारी राजा की पुत्री शर्मिष्ठा अपत्यार्थे पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज जजाति से प्रार्थना की। ऐसा शास्त्र कहता है कि कोई राजा या क्षत्रिय किसी स्त्री की मांग को पूरा कर सकता है। यदि किसी स्त्री को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो वह यदि किसी क्षत्रिय से याचना करे कि हमें पुत्र चाहिए तो केवल पुत्र देने के लिए उस स्त्री के साथ वह एक विशेष परिस्थिति में संग कर सकता है, केवल पुत्र देने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं भागवत में महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने किसी गम्य स्त्री का असत्कार तो नहीं किया। गम्य का अर्थ है जिसके साथ है गमन करना चाहिए, अंग संग करना चाहिए। ये राजा को और क्षत्रिय को ही केवल छूट है और किसी को नहीं। तो वास्तविक बात तो यह थी कि अर्जुन भगवान कृष्ण के विरह में दुखी थे, उनसे कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं हुआ था। तो उस प्रसंग से ऐसा सिद्ध होता है, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि क्षत्रिय को किसी दिनहीन स्त्री को जिसका आगे पीछे कोई नहीं हो और उसे पुत्र की प्राप्ति न होती हो तो क्षत्रिय उससे पुत्र उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर शर्मिष्ठा की जो प्रार्थना है वह बिल्कुल धर्म के अनुकूल है, परंतु उधर एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण की चेतावनी थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजपुत्रा अर्थितो अपत्य धर्मम चावेक्ष धर्मवित्त। महाराज जजाति धर्मवेत्ता थे, धर्मवित्त, तो उन्होंने एक विचार किया, एक तो राजपुत्री हमसे पुत्र चाहती है, तो विचार करने लगे क्या यह धर्म है। तो अंत में उनके मन ने निर्णय दिया हाँ यह धर्म है, धर्मम च अवेक्ष्य। उन्होंने देखा कि यही है धर्म। तो स्मरण शुक्र वच काले दिष्टमेवा विपद्यत, तो उन्हें अपने ससुर की बात याद आने लगी शुक्राचार्य की। विचार करने लगे यदि मैं संतान उत्पन्न नहीं करता हूँ शर्मिष्ठा से तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप होगा, अधर्म होगा, और यदि पुत्र उत्पन्न करता हूँ तो शुक्राचार्य के क्रोध का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो उस समय जजाति महाराज ने
देखा कि जो धर्म है वही करना चाहिए। वास्तव में जो व्यक्ति धर्म का त्याग नहीं करता है तो थोड़े काल के लिए उस पर संकट आता है, परंतु उसका भविष्य उज्जवल होता है। तुम्हारे जजाति ने दिष्ट को ही अभ्यपद्यत, ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है उसी का पालन किया, चाहे जो भी संकट आवे, लेकिन इस बेचारी शर्मिष्ठा को पुत्र देना हमारा धर्म है, यह सोचकर उन्होंने उसके साथ अंग संग किया, केवल पुत्र देने के लिए, काम वासना से नहीं। ये प्रसंग सिद्ध कर रहा है, दिष्टम एवा विपद्यत। तो पुत्र दान करने के लिए उन्होंने शर्मिष्ठा का संग किया, 23 प्रकार पुत्र हुए। जदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत, जदुम और तुर्वसु को देवयानी ने उत्पन्न किया। महाराज जाति के 5 पुत्र हुए, 2 पुत्र देवयानी से और 3 पुत्र शर्मिष्ठा से हुए। द्रुहिम चानुम च पूर्वम च शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि व्यजायत इति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पूरु, 3 पुत्रों को जन्म दिया। यही पूरु महाराज समस्त भूमंडल के राजा बनेंगे, उसी वंश में महाराज युधिष्ठिर आए हैं। सबसे पहले दुष्यंत महाराज, रंती देवादी आए, फिर दुष्यंत महाराज, और बाद में हस्तिनापुर के राजा जो भी बने पूर्ववंशी, तो उन राजाओं का वंश चला है पूर्व से। तो जब किसी दिन गर्भ संभव आ सूर्या भर्तुर विज्ञाय मानिनी देवयानी पितुर्गेहम जयो क्रोध विमूर्छिता, किसी समय जब पता चला देवयानी को कि शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए हैं, किससे? भर्तु, अपने भर्तार से, अपने स्वामी जजाति महाराज से इसको 3 पुत्र होगा। तो माननी देवयानी पितुर गेहम जयऊ, क्योंकि क्रोध विमूर्छिता। महाराज जजाति ने शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न किया यह जान करके वह बहुत क्रोधित हुई, क्रोध विमूर्छिता, क्रोध में विशेष मूर्छित हो गई। मूर्छित का मतलब होता है कि अब विवेक काम नहीं किया, इतना क्रोध हुआ अपने पति के प्रति, जजाति महाराज के प्रति, कि क्रोध में वह सीधे उनका संग छोड़ करके और अपने पिता के भाग जाती है अपने भाई के पास या पिता के पास, तो बेचारे पति जाते हैं बाद में मना करके लाते हैं। वैसे ससुराल जाने पर पति का आदर होता है, बड़ा सम्मान होता है, लेकिन महाराज जजाति जब अपनी पत्नी के साथ वहाँ चले गए तो बहुत भारी इनको दंड मिला। महाराज जजाति ने बहुत प्रयास किया कि पत्नी न जाए अपने पिता के यहाँ, क्योंकि पिता बड़ा प्रचंड ब्राह्मण था, साप देने में समर्थ, बहुत डरते थे, और वो तो क्रोध विमूर्छिता, इतना क्रोध में थी कि यही कहे क्रोध में पागल हो गई थी, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसको ये ध्यान